हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल धनवानी है। मेरे चैनल गेम चेंजर्स एकेडमी पर आपका फिर से और एक बार स्वागत है। मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि मैं मंत्रों का वीडियो बनाते चला जा रहा था आपके लिए। ये वो सारे मंत्र हैं, ढेर सारे, जो मैं बहुत बरसों से करते चला आ रहा हूँ। ये बहुत सारे गुरुओं की देन थी मेरे लिए, मैंने समझा ये मैं शेयर कर लूँ। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है लाइफ की, जो हमको कई परिस्थितियों में काम आते रहता है। मेरे जीवन में बहुत काम आए हैं और बहुत काम करते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है, नो टू वर्ड्स अबाउट इट। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में, वो है प्यार। प्यार तो यूनिवर्सल, बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल इमोशन। दुनिया जीती है प्यार के लिए, बनी है ये सारी सृष्टि प्यार के लिए। हम प्यार के लिए जीते हैं, प्यार के लिए मरते हैं। वैसे हकीकत में प्यार ही सब कुछ होता है। ये सारे रिलीजन भी प्यार के लिए ही हैं, प्यार सिखाने के लिए, प्यार पाने के लिए। प्यार कई किस्मों का होता है। खैर, आज मैं प्यार के विषय में जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि कपल्स के बीच में लॉन्ग टर्म तक प्यार घूम क्यों हो जाता है, उड़ क्यों जाता है। शादियों के बीच, रिलेशनशिप्स के बीच, लॉन्ग टर्म के ऊपर ज़िंदगी की चक्की पिसते हुए प्यार रहता नहीं, कहाँ चला जाता है, इस तरह से क्यों होता है? कपल्स के बीच में प्यार रहता ही नहीं है, खोखलापन हो जाता है। बहुत सारे, मेजॉरिटी, बहुत माइनर फ्रैक्शन इस तरह के कपल होंगे, बहुत लकी सारे, जो जिनमें प्यार बरकरार रहता है। तो क्या किया जाए, वो कैसी क्वालिटीज़ हैं, क्या टेक्निक्स हैं जिससे प्यार हमेशा बरकरार रहता है, वो कुछ एसेंशियल फार्मूलाज, एसेंशियल सीक्रेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और आई विश ये हर यंग कपल और हर एक को ये ज्ञान हो, ये बहुत ज़रूरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्लीज़ बहुत ध्यान से एंड तक देखिएगा। थैंक यू। तो जनाब, मैं जैसे बता रहा था, प्यार पहले अपने आप से शुरू होता है। इंसान को पहले अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही वो किसी को प्यार कर सकता है। इंसान को अपने आप को जैसा वो है, जैसा ऊपर वाले ने उसको रचा है और जैसे उसको बनाया है, उसी तरह से इंसान ने पहले अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। एज ही इज़ एंड ही मस्ट फर्स्ट लव हिमसेल्फ एज ही इज। इफ़ नॉट, तो आदमी दूसरे को रियलिटी में कभी उसको करेक्टली, वो जो जैसा है या जैसी है, उसको स्वीकार करके उसको प्यार नहीं कर सकता, जब तक वो प्यार अपने आप से शुरू ना करे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इंसान अपने आप को किस तरह से प्यार कर सकता है, ये एक दूसरी टेक्नोलॉजी है, अपने आप को स्वीकार करना। ये इसकी भी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, वो मैं दूसरे कभी किसी वीडियोस में बताऊंगा। मिरर वर्क, एक्सेप्टेंस, एफर्मेशंस वगैरह से। लेकिन फर्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज, टिल यू डोंट लव योरसेल्फ,
यू रियली कैन नॉट लव समबडी एल्स इफ़ यू कान एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर यू रियली कैन नेवर लव एनीबडी एल्स. तो पहले अपने आप को प्यार करें, अपने आप को स्वीकार करें, अपनी इज्जत करें, तो ही आदमी किसी के साथ सच में उसको अपना कर उसको प्यार कर सकता है. ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है. हाँ, तो ये समझने के बाद अब हम सीधा टू द पॉइंट आएंगे कि कपल्स में, चाहे यंग हो, मिडिल एज्ड, कोई भी, हर इंसान की चाहत होती है कि उसका स्पाउस, उसका पार्टनर उसको प्यार करे. इसीलिए तो वो एक साथ जुड़ते हैं ना, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो या लव मैरिजेस हो. लव मैरिज तो इंसान यही चाहता है कि हमेशा उनके बीच में लव रहे, ये समझ के वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं. और अरेंज मैरिजेस में भी हर मैरिज का एक फंडामेंटल ये है कि हर इंसान अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से लव एक्सपेक्ट करता है. और हर इंसान के अंदर एक अपनी लव टैंक होती है, एक लव जैसे पेट्रोल टैंक होती है, वैसे हर इंसान की एक मेंटल लव टैंक होती है. ठीक है, तो ये हमेशा भरी रहे तो आदमी खुश रहता है. चाहे जीवन में कैसा भी दुख सुख क्यों ना हो, दुख में जब कपल्स के बीच में प्यार हो, हर कठिनाई बहुत आसान से, ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजर जाती है, है ना. ऑन द फ्लिप साइड, अगर इंसान को शादी के अंदर क्या चाहिए होता है, पहले लोग सिक्योरिटी मांगते हैं, इनकम, प्रॉपर्टीज, ये वो वगैरह वगैरह. अगर इंसान को सब कुछ मिल जाने के बाद भी अगर ये नहीं है तो जीवन एक खोखला सा है एकदम, है कि नहीं. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्यार क्यों गुम हो जाता है, कपल्स के बीच में झगड़े क्यों होते हैं. चाहने के बावजूद वो चाहते हैं कि हम बहुत हारमोनियस रहें, बहुत लविंगली रोमांटिक रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता. हमेशा चिड़चिड़ापन, झगड़े वगैरह, ये ऐसा सब क्यों होता है. ये इसलिए क्योंकि हर इंसान की अपनी एक यूनिक लव लैंग्वेज होती है. ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है. ये 5 किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं लव लैंग्वेज. एक होती है लैंग्वेज ऑफ टच, यानी कि हर इंसान को अपना प्यार एक्सप्रेस करने का एक उसकी अपनी परिभाषा, अपनी एक लैंग्वेज होती है. वो सिर्फ 5 लैंग्वेजेस होती हैं यूनिवर्सल, जो हर इंसान में एक प्राइमरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है और एक सेकेंडरी होती है, 2 होती हैं. वैसे 5 किस्म की भाषाएं होती हैं और उन कपल्स के अंदर ये उनको ज्ञान होना चाहिए कि अपने आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या है. आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है. तो पहली लव लैंग्वेज है टच, दूसरी है क्वालिटी टाइम, तीसरी है एक्ट्स ऑफ सर्विस, चौथी है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, और पांचवी है रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट्स. ये मैं इनको बहुत डिटेल में अभी डिफाइन करता हूँ, लेकिन हर इंसान में, ह्यूमैनिटी में बेसिकली ये 5 लैंग्वेजेस होती हैं प्यार की लव लैंग्वेजेस. आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या है, इसमें से आपको समझना बहुत ज़रूरी है. आपको अपनी लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसको मैं आपको अभी डिटेल में डिफाइन करता हूँ. हाँ, तो दोस्तों, तो पहली लव लैंग्वेज होती है टच. कई इंसान होते हैं, उनका एक्सप्रेशन ऑफ लव ये टच. एवरी टच इज नॉट अ सेक्सुअल टच. हर टच एक अलग टच होता है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव. माँ का बेटे को स्पर्श करना एक अलग टच है, डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ लव. प्रेमी को प्रेमिका के लिए सेक्स में, वो एक अलग लव लैंग्वेज है, है ना. किसी को कंपैशनेट काइंड टच, वो एक दूसरा एक्सप्रेशन है. तो टच इज़ अ लव लैंग्वेज. कहीं कहीं में बहुत इनबिल्ट होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है.
आदमी फ्रेंड को टच करता है, कभी कोई दुखी होता है उसको सिंपथी देने के लिए टच होता है वगैरह, कई लोगों में बहुत नॉर्मल होता है टच करके अपने आप को एक्सप्रेस करना, और कई लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है हर टच। जैसे मैंने आपको बताया, इट्स नॉट अ सेक्सुअल टच। तो टच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्राइम लैंग्वेज इन टू मैनी, लेकिन बहुत लोगों में ये प्राइम लैंग्वेज नहीं होती, हर एक का अलग अलग होता है। सो टच इज़ वन ऑफ द प्राइम लैंग्वेजेस फॉर मैनी मैनी पीपल। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप में क्या है। दूसरा होता है किसी को प्यार का लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब क्या, उसको अपने पार्टनर के साथ अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, अनडिवाइडेड अटेंशन जिसके अंदर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए दैट डिफाइंस लव, दैट इज़ द लव लैंग्वेज फॉर दैट पर्सन। वो उसका एक इनबिल्ट नॉर्मल सा है लव लैंग्वेज। फिर तीसरा लव लैंग्वेज होता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, शब्दों से तारीफ करना, बातचीत करना, अपनी तारीफ सुनना, किसी की तारीफ करना, ये एक तीसरी लव लैंग्वेज है। चौथी है एक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी कि आप किसी के लिए कुछ काम करते हो, काम करके दिखाते हो, तो वो उसके प्यार की परिभाषा है, उसके प्यार की लव लैंग्वेज है। जैसे आपके लिए फ़र्ज करो उसने आपकी फेवरेट डिश बनाई, तो दैट इज़ हर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हर लव फॉर यू, वो उसकी प्यार की लैंग्वेज है। एक्ट्स ऑफ सर्विस, घर टिप टॉप करके रखना, मस्त सजाना, आपको कहीं डॉक्टर के पास ले जाना, आपके लिए कुछ काम करना, ये कई लोगों में लव का मतलब इस एक्ट ऑफ सर्विस है, ये उनका है। और पांचवी है गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। कोई लोग अपना प्यार प्रकट करते हैं किसी को कुछ तोहफा देके, या किसी से तोहफा किसी को मिल गया, तो वो उसकी प्यार की परिभाषा है। गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स, गिविंग गिफ्ट्स डज नॉट नेसेसरली मीन के कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट हो या कोई बड़ा तोहफा हो, ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि अगर आपने उसको एक फूल भी दे दिया तो भी वो उसके लिए बहुत हाई वैल्यू का है, क्योंकि उसकी लव लैंग्वेज इज़ रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट। अगर उसने आपको कोई किताब गिफ्ट में दी तो शी और ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज लव, वो उसकी लव लैंग्वेज है, वो उसका इट डिफाइंस लव फॉर दैट पर्सन, दैट इज़ अ लव लैंग्वेज। तो ये पांच लव लैंग्वेजेस यूनिवर्सल हैं जो हर एक के अंदर होती हैं। कपल्स जो आप देखते होंगे एक्सीडेंटली बहुत लकी, बड़े मस्त रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, एकदम ज़बरदस्त खुश रहते हैं हमेशा ही, उनकी लव लैंग्वेजेस एक्सीडेंटली मिलती होंगी, ज़रूर मिलती होंगी। आप नोट करें, अगर आदमी की लव लैंग्वेज टच है और क्वालिटी टाइम है, उस औरत की भी ज़रूर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लव लैंग्वेज सेम ही होगी। इसलिए आप कोई कोई कपल्स बहुत हेवनली एकदम देखते होंगे, कई कपल्स आप देखते होंगे कि एक दूसरे से सालों की बनती ही नहीं है, बिल्कुल बनती नहीं है, एकदम हमेशा झगड़ते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस मर्द की लव लैंग्वेज है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रखना भी चाहते हैं, मज़े की बात तो ये है कि वो रखना भी चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते, हमेशा झगड़े होते रहते हैं उनके बीच में। हाँ, तो मैं इस कपल की बात कर रहा हूँ, इमेजिनेटिव चाहे कोई भी हो, फर्ज करो ये, और बहुत सारे केसेस होते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, इतने कपल्स हैं जो एक दूसरे को खुश रखना भी चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनाब काम से लौट के आ रहा है और इसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज है टच और क्वालिटी टाइम, ठीक है, प्राइमरी टच है, सेकेंडरी क्वालिटी टाइम है, ये सोच के आ रहा है कि बस घर आते ही मैं एकदम मस्त शावर लूँगा वाइफ के साथ, उसके बाद में हम मूवी पे जाएंगे, फिर फर्स्ट क्लास डिनर पे जाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल भी रिजर्व करता है वगैरह, ये प्लान बना कर घर जाता है। और यहाँ पर इसके वाइफ की, इसके स्पाउस की प्राइमरी लव लैंग्वेज है फर्ज करो एक्ट्स ऑफ सर्विस,
और उसकी दूसरी लव लैंग्वेज है गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स, ठीक है। ये भी एकदम मस्त सपना देख के बैठती है, जनाब आएंगे उसको मैं सरप्राइज दूंगी, फर्स्ट क्लास उसकी मस्त फेवरेट डिशेस वगैरह बना के रखी हुई है, ठीक है ना, और घर मस्त सजा के रखती है, एक्ट्स ऑफ सर्विस, राइट। तो ये भी ये सोच के बैठती है कि मैं उसको इस तरह से एकदम मस्त ट्रीट करूँगी, क्योंकि उसकी लव लैंग्वेज वो है, इस जनाब की लव लैंग्वेज है टच एंड क्वालिटी टाइम, ठीक है। ये अपनी प्लान बना कर आता है, ये यहाँ पर अपनी प्लान्स बना के बैठी हुई है, ये घर पे आता है एकदम तूफान मिल के जैसे जूते वगैरह उतारता है, वो उसने घर एकदम चकाचक फर्स्ट क्लास टाइडी रखा है, एकदम उसको घसीट के शावर ले जा रहा है, और फिर तो आप जानते हो कि क्या है। तो इस तरह से झगड़े होते रहते हैं अनजाने चाहते हुए भी, क्योंकि उनको अपने पार्टनर की एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसे ही लोग एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं, फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेना चाहिए, दिस इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। फ़िलहाल मैं फोकस्ड हूँ प्राइमरी लव लैंग्वेजेस के लिए, जो ना जानने की वजह से चाहते हुए भी कपल्स के बीच में प्यार नहीं रहता और झगड़े होते हैं वगैरह। तो ये बात है, हमारे स्पाउस का हमारे पार्टनर का लव लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, अपना लव लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, एक इंटेंशन रखना है कि आप नेचुरली अगर प्यार चाहते हो तो आप प्यार देना भी आपको आना चाहिए, प्यार आप दोगे उसकी भाषा में जो वो समझे, है ना। ऐसा नहीं है ना कि आप पंजाबी बात कर रहे हो और वो केरलाइट है, वो आपकी भाषा नहीं समझती, आप उसकी भाषा नहीं समझते। तो ये लव लैंग्वेजेस इतना डिफर करती हैं एक दूसरे के साथ कि वो अपना प्यार आपको बता नहीं सकती, आप अपना प्यार उसको बता नहीं सकते, क्योंकि लैंग्वेजेस अलग है, प्यार की लैंग्वेज कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट है, है ना, डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है साहब, ये नहीं कि मैं मुझे शुरू से पता थी, ये मैं इस किताब से सीखा हूँ, 5 Love Languages बाय गैरी चैपमैन। इसने कई लोगों की बहुत ज़िंदगियाँ बनाई हैं, एकदम काश मुझे ये बहुत यंग एज में पता होता, लेकिन खैर तजुर्बे के साथ मैं तो माहिर हूँ, जैसा मुँह वैसी थप्पड़, मैं तो सारी 5 languages यूज़ कर लेता हूँ, है ना। मेरी वाइफ भी जानती है मेरी लव लैंग्वेजेस क्या है, तो अब हम में बहुत ऊपर वाले की कृपा है कि हम ये जानते हैं, और इंटेंशन भी बहुत अच्छा है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें माहिर हों, आपका घर खुशियों से भरा रहे, और आप ये खुशियाँ दूसरों के साथ बांटो, और ज़रूर बांटना। तो अगर आपको ये इनसाइट आज का अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना भूलेगा मत, क्योंकि आप बहुत कपल्स को बहुत मस्त रख सकते हैं, है ना। और लाइक करना अगर आपने लाइक किया तो, थैंक यू। और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँगा, लाते रहूँगा, ताकि आपकी ज़िंदगी खुशहाल, मस्त, रंगीन और सक्सेसफुल रहे। टेक केयर, चाओ, गॉड ब्लेस।